हे गाइस, क्या आप जानते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज 2030 में कैसे होंगे, किस कंट्री की इकॉनमी कितनी होगी 2030 तक और कहां पर ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो से। तो इंडिया के लिए लाइक करें एंड पाकिस्तान के लिए कमेंट करें एंड बाकी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो बिना किसी देरी के। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में 142 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 151 करोड़ तक हो जाएगी और इंडिया के हर एक किलोमीटर में तब आपको 459 पीपल देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2023 में 24 करोड़ की है और 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 26.3 करोड़ की होगी। पाकिस्तान के हर एक किलोमीटर के दायरे में आपको 298 पीपल देखने को मिलेंगे 2030 में। तो पॉपुलेशन का पहला पॉइंट इंडिया को मिलेगा। गाइस, एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का है और यहां पर टोटली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। वहीं पाकिस्तान का टोटल एरिया 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर का है और यहां पर टोटली 7 सब डिवीजन है, जिसमें 4 प्रोविंसेस, 2 स्पेशल ऑटोनोमस रीजन एंड 1 कैपिटल टेरिटरी शामिल है और पाकिस्तान की कैपिटल सिटी का नाम इस्लामाबाद है। तो एरिया का दूसरा पॉइंट भी इंडिया को मिलेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन इन 2030। गाइस, 2030 में इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 25.5 करोड़ की हो सकती है, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी इसके पंजाब प्रोविंस की होगी 13.5 करोड़ के समथिंग। टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो इंडिया में 2030 तक सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता सिटी का नाम होगा, जबकि पाकिस्तान में कराची, लाहौर एंड फैसलाबाद सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर होंगे 2030 तक। इकोनॉमी कंपैरिजन, गाइस, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2023 में 3.80 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो कि 2030 तक बढ़कर 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी 341 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि 2030 तक बढ़कर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो नॉमिनल जीडीपी का पॉइंट भी इंडिया को मिलेगा एंड स्कोर होता है 4.0। जीडीपी पीपीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2023 में 13.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो कि 2030 तक बढ़कर 17.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है 2023 में, जो कि 2030 तक बढ़कर 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इंडिया की जीडीपी जहां 6.5% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.5% का है। तो जीडीपी पीपीपी एंड जीडीपी ग्रोथ रेट का पॉइंट अगेन इंडिया को मिलेगा एंड स्कोर होता है 6 पॉइंट्स पर इंडिया एंड 9 पॉइंट फॉर पाकिस्तान। गाइस, 2030 तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 4,569 US की होगी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटायर जीडीपी डिवाइडेड बाय एंटायर पॉपुलेशन। वहीं पाकिस्तान का पर कैपिटा 4,942 US का होगा। तो जीडीपी पर कैपिटा का पॉइंट पाकिस्तान को मिलेगा एंड पाकिस्तान यहां पर अपना खाता खोलता है रिचेस्ट सब डिवीजन इन 2030। इंडिया में 2030 तक सबसे ज्यादा जीडीपी वाला रिचेस्ट सब डिवीजन महाराष्ट्र होगा, जिसकी जीडीपी 900 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है, जबकि पाकिस्तान में इसका पंजाब प्रोविंस सबसे वेल्थियस्ट प्रोविंस होगा 2030 तक, जिसकी जीडीपी 780 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो स्कोर 7-1। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2030 तक इंडिया में आपको बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप, वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड हाईवे ग्लेशियर एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है, जबकि पाकिस्तान में 2030 तक मेन लाइन 1, ऑरेंज लाइन मेट्रो एंड कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ अदर फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इंडिया का लिटरेसी रेट 2030 तक 90% से भी ज़्यादा होगा, जबकि पाकिस्तान का 80% से ज्यादा होगा। इंडिया में पॉवर्टी रेट 2030 तक 10% से भी कम हो सकता है, जबकि पाकिस्तान में लेस देन 30% होगा। तो यह पॉइंट इंडिया को। गाइस, एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो 2030 तक 1 US dollar की वैल्यू इंडिया के 83 रुपए के इक्वल हो सकती है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो 1 US dollar की वैल्यू 274 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल हो सकती है 2030 तक। दोस्तों, 2030 तक इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स की हो सकती है, जबकि पाकिस्तान की 73 ईयर्स की। और अगर साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात की जाए तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 2030 तक
100% हाउस होल्ड होगा तो यह पॉइंट दोनों ही कंट्रीज को मिलेगा। तो गाइज फाइनल स्कोर होता है 8 पॉइंट्स फॉर इंडिया एंड ओनली 1 पॉइंट फॉर पाकिस्तान एंड विनर इज इंडिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।